आतंक का पर्याय बना गुलदार आखिरकार पकड़ा गया। बता दें कि टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग सुखीढांग क्षेत्र में गुलदार लगातार लोगों पर हमला कर रहा था, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त था। विगत कई माह की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने गुलदार को पिंजरे में कैद करने में सफलता हासिल की। गुलदार के पिंजरे में कैद होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वन विभाग की टीम ने मेडिकल परीक्षण के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया है। गौरतलब है कि जनपद चंपावत के ब्रजनगर सुखीढांग राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में लंबे समय से गुलदार का आतंक बना हुआ था। गुलदार आए दिन इस मार्ग से गुजरने वालों पर कई बार हमला कर चुका था, साथ ही पालतू पशुओं को निवाला बना चुका था। अब तक की हुई 4 घटनाओं में 7 लोग घायल हुए थे। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद क्षेत्र में वन विभाग ने पिंजरा लगाया हुआ था, लेकिन गुलदार उसमें फंस नहीं रहा था, जिससे वन विभाग की चिंता बढ़ने के साथ साथ लोगों में दहशत बरकरार थी। बीते शनिवार देर रात गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके में पहुंची। वन क्षेत्राधिकारी गुलजार हुसैन ने बताया कि गुलदार का मेडिकल परीक्षण करने के उपरांत उसे जंगल में छोड़ दिया गया है। वन विभाग की टीम में गुलजार हुसैन, रविंद्र लाल, पुष्कर भट्ट, भरत नेगी, गिरीश जोशी, रेवाधार जोशी, विपिन आर्य, भुवन पंत, अजय अधिकारी, प्रेम अधिकारी, अनिल पांडे, मुकेश जोशी आदि मौजूद थे। आवाज इंडिया के लिए चंपावत से पुष्कर सिंह महर की रिपोर्ट। ये देखो।